yo 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 man kaz kaz na yo problem back and this is the fourth lecture of work par energy or is lecture mein we going to be first talking about work done by a variable force so, to main example se bata dun suppose mere paas ek force hai which is a variable force one that depends X तो ये पाथ है मेरा इसके एक पार्टिकल को लेके जा रहे हैं लेट से उस पार्टिकल को uh, लेके जा रहे हैं फ्रॉम ओरिजिन टू लेट से वन काम वन जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ फ्रॉम ओरिजिन टू पॉइंट ए आई वॉन्ट टू कैलकुलेट द वर्क डन बाई दिस फोर्स ये जो एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं फोर्स जो पार्टिकल को अपन लेके जाते हैं अलोंग दिस पाथ फ्रॉम फोर टू a आई एम टू फाइंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स ठीक है सो लेट्स सी हाउ टू डू दैट सो इन जनरल इफ आई हैव अ फोर्स दैट इज fx आई कैप प्लस fy j कैप ठीक है जनरल ले लो तो कोई डिस्प्लेसमेंट को xy प्लेन में ये मेरा ds वेक्टर है उसका x कंपोनेंट विल बिकम द चेंज इन द x कोऑर्डिनेट एंड y कंपोनेंट विल बिकम द चेंज इन दाई कॉर्डिनेट कैन राइट डी एस वैक्टर एस डी एक्स आई कैप प्लस dy j जे कैप यह लिख सकता हूं मैं सो मेरा वर्क डन क्या हो जाएगा इंटीग्रल f डॉट ds करेक्ट सो so, क्या बन जाएगा इंटीग्रल fx dx प्लस इंटीग्रल fy dy डी थ्री डायमेंशन में एक और टर्म आ जाएगा fz dz ठीक है तो ये मेरा इंटीग्रल हो जाएगा तो डॉ डॉट प्रोडक्ट क्लियर है मैंने एफ एक्स एंड डी एक्स का डॉ मल्टीप्लीकेशन एफ वाई एंड डी वाई का मल्टीप्लीकेशन ठीक है सो एफ एक्स का वैल्यू वाई एफ एक्स का वैल्यू क्या वाई कॉन्स्टेंट होगा वहाँ पे uh, जिसका वैल्यू वन ले रहा हूँ मैं टू मेक श्योर की अप्रोप्रिएट यूनिट्स है ठीक है तो एफ एक्स का वैल्यू कितना है एक्स काी एक्स प्लस एफ वाई का वैल्यू क्या है एक्स इंटू डी वाई ठीक है सो नाउ हियर वी फेस एन इश्यू कि यहां पे मैं x के ऊपर इंटीग्रेट कर रहा हूं बट y मेरे पास है y वेरिएबल है सो दिस इज वेयर द इक्वेशन ऑफ द दम्स इन टू प्ले तो इक्वेशन ऑफ द पाथ क्या है वाई गो यूज दैट इक्वेशन टू कन्वर्ट दिस तो इसका मतलब आई कैन राइट दिस वाई डी एक्स तो वाई मतलब एक्स स्क्वायर है मी राइट इट इज एक्सक्वास डी वाई तो अभी मैं एक्स को वाई के टर्म्स में लिख सकता हूँ रूट वाई डी वाई

फॉर so एग्जाम्पल जो मेरा ये सेकेंड इंटीग्रल है इंटीग्रल एक्स डी वाई उसको मैं डी वाई को भी लिख सकता हूँ इन टर्म्स इफ आई डिफ्रेंशिएट दिसन राइट दिस ठीक है तो डी वाई को मैं टू एक्स डी एक्स लिख रहा हूँ यहाँ पर एंड नाउ यू इंटीग्रेट ओवर एक्स ओनली यू कैन जस्ट एड दम एक्सर टू एक्स पर थ्री एक्सर डी एक्स का इंटीग्रल बन गया ओके okay?

वाई इक्वल टू टू एक्स स्क्वा फाइन द वर्क डन बाई द फोर्स ट्राई करो राइट सो माई वर्क डन वु इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल एफ वाई डी वाई है वैल्यू क्या है एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई का वैल्यू क्या है एंड वी आर गोइंग फ्रॉम जीरो टू वन तो ये तो ठीक है यहां पर मैं एक्स स्क्र को कन्वर्ट कर सकता हूँ वाई में बिकॉज आई कैन जस्ट राइट एक्स स्क्स वाई बाई द पाथ तो देखो ये बन जाएगा integral X dx, 0 to 1, plus X square को मैं क्या लिख रहा हूं? Y by 2. And y का लिमिट्स कैसे आ जाएगा अगर एक्स जीरो से बन जा रहा है तो ये इक्वेशन से देखो वाई जीरो से टू जाएगा ना एक्सर वन पे वाई टू हो गया ठीक है हो गया तो ये इंटीग्रेट कर लो एक्स स्क्वायर बाय टू आ जाएगा लिमिट्स लगा दो वन बाई टू प्लस

कि वर्क डन इन अ क्लोज लूप वॉर जीरो रिमेंबर तो एंड कोई भी पॉइंट से कोई भी पॉइंट तक वर्क डन वॉज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ टेकन कंजर्वेटिव फोर्स एंड कंजर्वेटिव कुड फोर्स इन टर्म्स ऑफ मतलब उसको वी क, वी कैन कैन डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ कंजर्वेटिव फोर्स है कि नहीं तो लेट्स सी हाउ टू राइट फोर्स इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी तो जैसे कि सपोज मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी पता है मुझे पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन क्या था चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव ऑफ़ द वर्क डन द फोर्स जिसका पोटेंशियल डिफाइन करते हैं कंजर्वेटिव फोर्स की बात करें तो सपोज मेरे पास एक पार्टिकल है जिसको अपन डीएक्स डिस्प्लेस करते हैं पैरल कैन आई से वर्क डन बी ओनली एफ एक्स डी एक्स इन जनरल है कि नहीं बट अभी ओनली पैरल सिर्फ डीएक्स कैन आई से चेंज इन पोटेंशियल माइनस

बट इसमें देखो यहाँ पर लिखा हो मतलब यहां पर अपन ने माना ना कि वो पार्टिकल एक्स एक्सिस के पैरल जा रहे थे तो आईदर यू कैन राइट कीपिंग एंड एज माइनसेंट ऐसे इंग्लिश में लिख सकते हो या फिर ये मैथमेटिकल नोटेशन है इसको डेल बोलते हैं डेल यू मतलब इट इज अंडरस्टूड दैट वी आर कीपिंग द अदर कॉर्डिनेट्स एज कॉन्स्टेंट तो एक्स के साथ करके बाकी कॉन्स्टेंट रखें ठीक है सिमिलरली तुम माई एक्सिस के लोग जाओगे पैरल टू एक्सिस तो यू विल गेट एक्स कर देगा वाई आ जाएगा माइनस डेल्यू बाई डेल वाई सो इन दिस केस यूर कीपिंग एक्स एंड जेड एज कॉन्स्टेंट एंड सिमिलरली एफ जेड वुड बी गोल्ड माइनस डेल्यू बाईड इन दिस केस यूर कीपिंग एक्स एंड वाई एज कॉन्सटेंट ठीक है तो एक्चुअली कैसे करेंगे एक एग्जाम्पल बता देता हूँ तो और क्लियर हो जाएगा सो लेट से माई पोटेंशियल एनर्जी एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्र वाई जेड ऐसा कुछ है ठीक है सो इट डिपेंड्स ऑन द कोऑर्डिनेट्स तो अगर मुझे फोर्स निकालना है एफेक्ट्स क्या हो जाएगा माइनस डे बाईक्स तो बेसिकली क्या करना है डिफरेंशिएट ही करना है डी यू बाई डी एक्स ही है वो बट मन में वाई और जेड को कॉन्स्टेंट्स की तरह ट्रीट करो ठीक है तो कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट करूंगा तो उसको तो कॉमन बाहर आ जाएगा एक्सक्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है टू एक्स तो ये बन जाएगा माइनस वाई जेड तो कॉन्स्टेंट आ जाएगा माइनस माइनस कट जाएगा वाई जेड तो कॉन्स्टेंट आ जाएगा और तुम किसको डिफरेंशिएट करोगे एक्सक्वायर को तो वो तो टू एक्स बच जाएगा सो टू एक्स वाई जेड ठीक है एफ वाई माइनस डेल यू y तो अब अपन और Z को कांस्टेंट रखेंगे so, x2 Z, minus minus तो 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 कट गया बचा का डेरिवेटिव so, so, इस केस में एक्स और वाई को कॉन्स्टेंट रखेंगे और जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियट so, करेंगे तो वन हो जाएगा तो ये बन जाएगा ठीक है मेरा पूरा फोर्स वेक्टर आ गया मेरे पास टू एक्स वाई जेड आई कैप प्लस एक्स स्क्स स्क्स इज माई फोर्स राइटोर्स ऑल ऑफ दिसलड फॉर कंजर्वेटिव जिसके लिए पोटेंशियल एनर्जी अपन डिफाइन कर सकते हैं देख लो लेट प्रो गट क्वेश्चन तो एक पार्टिकल uh, है विच इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ फोर्स पोटेंशियल एनर्जी एक्स प्लस वाई ये दिया गया ठीक है जूल्स में है रिलीज फ्रमर टू मास वन के जी दिया and time to reach the ये ये सब गया तो एक मैं करता हूं बाकी दो तुम करो तो पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है एक्सेलरेशन पूछा है तो एक्सेलरेशन के लिए मुझे फोर्स चाहिए पोटेंशियल से मुझे फोर्स मिलेगा क्या आई नो हाउ टू कैलकुलेट फोर्स पोटेंशियल प्लस वाई सो कंपोनेंट फोर्सोनेट बी माइनस डेल्यू बाईस

तो एक्सेलरेशन तो निकल गया मेरा फोर्स बाय मास मास भी वन के जी दिए तो यही मेरा एक्सलरेशन बन गया ठीक है अब मैग्नीट्यूड क्वेश्चन में पूछा गया तो 2 हो जाएगा राइट अच्छा स्पीड वेन इट द क्रॉसेज एक्सिस बिकॉज पोटेंशियल इज डिफाइंड फोर्स इज कंजर्वेटिव यू कैन कंजर्व मैकेनिकल एनर्जी सो थिंक इन टर्म्स ऑफ दैट एंड टाइम टू रीच द एक्सिस थिंक इन टर्म्स ऑफ काइनामेटिक्स ट्राई करो देन टेक अ लुक एट माय सॉल्यूशन तो स्पीड इट द वाई एक्सिस मतलब पर यहाँ पर इफ आई कैन एक्सेस पोटेंशियल एनर्जी तो मेरा एनर्जी कंजर्वेशन करके तो कैनेटिक एनर्जी भी आ जाएगा एनर्जी आ गया तो स्पीड भी आ जाएगा करेक्ट तो देखो ये ये एंगल 45 फाइव डिग्रीज है ना बिकॉज फोर्सेस अलोंग फोर्स का वाई कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट सेम ही है तो 45 फाइव डिग्रीज पर है एक्स एक्सेस के रिस्पेक्ट में सो so, uh, हो गया ये अगर वन है एक्स ऑर्डिनेट वन है ये पूरा टू है ये वन करेक्ट तो ये भी वन सो इट इज गोइंग टू क्रॉस द एक्सिस एट और यू कैन ऑल्सो राइट द स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बिकॉज यू नो इनिशियल पॉइंट यू नो द स्लोप तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन भी लिख सकता हूँ anyway, एनी ये जीरो कामा वन तो एट जीरो वन वॉट इज द पोटेंशियल एनर्जी एक्स इको टू जीरो वाईको टू वन वन जूल ठीक है इनिशियली कितना था पोटेंशियल एनर्जी एट वन कॉमोट टू पोटेंशियल एनर्जी वॉस एक्सलो वन माईको डो टू थ्री जूल्स ठीक है पोटेंशियल एनर्जी कितना लॉस हुआ टू जूल्स का लॉस हुआ है ना पोटेंशियल एनर्जी का तो उतना गेन एंड काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा सो कह रहे हैं सही इनिशियली तो रेस्ट पर था तो गेन एंड काइनेटिक एनर्जी टू जूल्स शुड बी हाफ एम वी स्क्र बी इक्व डू टू मिनट पर सेकेंड तो ये मेरा स्पीड हो गया ठीक है इतना स्पीड से वो क्रॉस करेगा right. अच्छा टाइम टू रीच द वाई बायस तो ये भी कर सकते हो सिंपल है यू कैन यूज ए सी को स्क्वायर और यू कैन यूज बी जैसे भी करना है इफ इफ आई आई लुक लुक एट एट द द एक्स कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट वो कितना है वन तो कैन आई राइट ये सेकेंड पार्ट था थर्ड पार्ट के लिए कैन आई राइट एक्स कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट कितना है कितना है एक्स एक्सेस में वन मैग्नीट्यूड ठीक है ट और यू कैन ऑल्सो यूज वी गुड यू प्लस एटी पता है टू मीटर पर सेकेंड है स्पीड और एक्सलेशन रूट टू है वो भी यूज कर सकते हो इनिशियल जीरो है देख लो लेट्स ले कंडीशन फॉर अ फोर्स टू बी कंजर्वेटिव तो अगर फोर्स ये फोर्स सपोज मेरे पास लेट्स uh, uh, भी है कोई जनरल तो इफ दिस फोर्स टू बी कंजर्वेटिव द कंडीशन कम्स आउट टू बी चलो पहले एक टू डायमेंशनल वाला केस ही लेता हूँ डेल एफ एक्स डेल एफ वाई बाय अब ये कहां से आया वो अपन प्रूव नहीं करेंगे वो वेक्टर कैलकुलस यूज करना पड़ता है उसके लिए बट यू कैन यू यू कैन वी कैन प्रूव दिस इवन विदाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर कैलकुलस जो अंडर ग्रेजुएट में पढ़ते हैं बट एन द प्रूफ इज नॉट इम्पॉर्टेंट वॉट वी विल डू इज वी विल रिमेंबर दिस फॉर आवर जो एग्जाम

डेल एफ वाई बाय डेल एक्स डेल एफ वाई इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कीपिंग वाई में यहां पर तो वाई का टाइगे तो एक्स तो का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा एक्स करेक्ट दोनों इक्वल है ना सो यस, दिस इज कंजर्वेटिव ठीक है राइट तो दैट इज हाउ यू गेट योर कंडीशन

डेल एफ वाई बाय डेल एक्स इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेल एफ वाई इस माइनस जेड स्क्वायर आर दे इक्वल ओके तीनों पेर चेक करना है डेल एफ वाई बाय डेल जेड कितना है इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड कितना है जेड के रिस्पेक्ट में एक्स को कॉन्स्टेंट रखेंगे स्क्वायर का इसका डरेवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई वाई के साथ डिफ्रेंशिएट करो बाकी सब कॉन्स्टेंट रखो तो कितना रहेगा माइनस टू एक्स जेड ऑल राइट ये भी पैर इक्वल हो गया फाइनली डेल एफ जेड बाई डेल एक्स इसका डरेवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स बाकी सब कॉन्स्टेंट माइनस टू वाई जेड बचेगा एंड डेल एफ एक्स बाय डेल जेड इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड वाई इक्वल तो दिस इज कंजर्वेटिव सारे ऑल द ऑल द थ्री पेयर्स आर इक्वल ठीक है तो ऐसा चेक कर लें देख लो राइट right, एक क्वेश्चन देखते हैं सो so, ये मेरा फोर्स है फाइंड वर्क डाउन पार्टिकल फ्रॉम एक्सल जीरो फोर अलॉन्ग दिस लाइन अलॉन्ग दिस कर वाई क्वेट रूट एक्स ठीक है तो यू यू माइट थिंक ये तो यार वेरिएबल फोर्स का क्वेश्चन है इसमें क्या बड़ी बात है वी जस्ट डू इट द वे वी डिड हो बट आई हेयर वॉन्ट टू पॉइंट आउट कि ये जो फोर्स है वो कंजर्वेटिव अपन ने निकाला था वही वाला एग्जाम्पल है ठीक है तो अगर कंजर्वेटिव फोर्स दिया हुआ है देन क्वेश्चन में जो भी पाथ दिया हुआ है उससे क्या फर्क पड़ता है वी विल चूज आवर ओन पाथ ये कर्व के अंग क्यों ट्रैवल कर रहे हैं अपन स्ट्रेट लाइन के अंग ट्रेवल करेंगे दैट इज ईजियर करेक्ट बिकॉज एनी पाथ विल नॉट मैटर एज लॉन्ग एज द इनिशियल एंड इनिशिय दाइनल पोजिशन सेम फॉर अ कंजर्वेटिव फोर्स फर्स्ट यू शुड ऑलवेज चेक जब भी आस्क टू कैलकुलेट द वर्क डन डर कंजर्वेटिव फोर्स ऑलवेज चेक वेदर इट इज वेदर इट इज कंजर्वेटिव नॉट ऑब्वियसली क्वेश्चन में कंजर्वेटिव नहीं बोलेंगे बट यू शुड चेक ठीक है तो वी नो वी वो ऑलरेडी चेक कि दिस इज कंजर्वेटिव ओके okay. तो कहाँ से कहाँ जाना है एक्स्यूड जीरो पे वाई जीरो तो, uh, uh, जाना है तो इंस्टेड ऑफ द अ स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन इजियर है ना तो स्ट्रेट लाइन में यूज करूंगा तो मेरा इक्वेशन ऑफ द पाथ क्या आ जाएगा वाई को डू एक्सपाइड टू करेक्ट ठीक है तो हो गया डन कितना आ जाएगा इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल एफ वाई डी वाई एफ एक्स मतलब एक्स वाई डी एक्स प्लस इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाई टू डी वाई ओके सिंपल है वाई को मैं क्या रखूंगा एक्स बाई टू तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू डी एक्स प्लस एक्स uh, को मैं क्या रखूंगा टू वाई तो ये बन जाएगा टू तो वाई स्क्वायर डी तो वाई करेक्ट एक्स को तो मैंने टू वाई रखा तो फोर वाई स्क्वायर

सो द फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट एक फिक्स पॉइंट है इन स्पेस हमेशा फोर्स उसी की तरफ है पार्टिकल कहीं भी है पार्टिकल से इट्स ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स दैट पॉइंट और अवे फ्रॉम दैट पॉइंट ठीक है एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ओनली डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट सो सपोज मेरे पास ये कोई पॉइंट है एंड यहाँ पे पॉइंट है यहाँ पे पार्टिकल है पार्टिकल यहाँ पर है तो द फोर्स इज दिस वे ठीक है

ग्रेविटेशनल फोर्स न्यूटोनियन ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो सेंट्रल फोर्स है जी एम एन एम टू बायर बाद में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोसैटिक्स में कुलम फोर्स वो भी सेंट्रल uh, फोर्स है ठीक है सो वेरी कॉमन इन नेचर एंड द बेस्ट प्रॉपर्टी ऑफ और द बेस्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ सेंट्रल फोर्सिस आर कंजर्विटिव तो ये अपन प्रूव नहीं करेंगे बिकॉज प्रूव करने के लिए थोड़ा पोलर कॉर्डिनेट्स का नॉलेज चाहिए तो वो जरूरत है नहीं अभी बाद में अपन देखेंगे बट वी विल रिमेंबर सेंट्रल फोर्सेज आर कंजर्वेटिव ठीक है सो क्वेश्चन में ऐसे टाइप के क्वेश्चन तो ऐसा कुछ तो दीजिए पूछेंगे एक्सक्यूज पूछेंगे दिस फोर्स कंजर्वेटिव नॉट ठीक है वन वे इज टू डू द पार्शियल डेरिवेटिव्स ठीक है

क्टर आई कैन राइट एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप करेक्ट सो ऊपर क्या दिख रहा तुमको आर वैक्टर और नीचे क्या है डिस्टेंस तो so, कोई भी डिस्टेंस फैले तो मैग्नीट्यूड इसका मैग्नीट्यूड कितना है कुछ के बोलता हूं एक कॉन्स्टेंट ए सम कॉन्स्टेंट तो मैग्नीट्यूड कितना हो गया इसका आर वैक्टर का मैग्नीट्यूड आर सो के बाई आर स्क्स द मैग्नीट्यूड तो इट ओनली डिपेंड्स ऑन आर ये एंगल थीटा यहाँ पे जो थीटा है उस पर तो डिपेंड कर नहीं रहा है ठीक है तो फर्स्ट सेकेंड प्रॉपर्टी इज सटिस्फाइड एंड फर्स्ट प्रॉपर्टी इज ऑब्वियस इट्स ऑलवेज डरेक्टेड अवे फ्रॉम द ओरिजिन पैरल टू आर वैक्टर तो फर्स्ट प्रॉपर्टीजो सेटिसफाइड दिस इज अट्रल फोर्स ओके एंड देर फॉर इट इज कंजर्वेटिव सो इफ दे आस्कू टू चेक वेदर सर्च करने कंजर्वेटिव वो डिफ्रेंशिएट करने की जरूरत नहीं है यूजली जब भी तुमको ऐसा दिखाया एक्स आइकै प्लस वाई जैकअ तो वो तो आर वैक्टर बन गया ना तो यू शुड थिंक कि कैनाइ एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ कैनाई सी दैट इट इज अट्रल फोर्स नॉट या कहीं एक्स स्क्स वाई स्क्र देखा तो वो इमीडिएटली स्ट्राइक होना चाहिए वो तो आर स्क्र हो गया ओके एक आधा और क्वेश्चन करते हैं एक आधा और एग्जाम्पल करते हैं पहले ऐसा सपोर्ट फोर्स है एक्स आई क्या प्लस वाई जे क्या डिवाइड बाई फाइव बाई टू ये भी क्या मान गया सेंट्रल शुड भी वेरी डायरेक्ट नाउज राइट आर वैक्टर तो ये एंड मैग्नेट्यूट डिपेंड्स ओनली ऑन आर करेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम दी ऑरिजिन एक क्वेश्चन देखो एक सेमी सर्कल है एंड पार्टिकल इज टेकन अलॉन्ग द सेमी सर्कल पार्टिकल ट्रैवल्स अलांग द सेमी सर्कल एंडर इज अ फोर्स एक्टिंग उसका मैग्नीट्यूड इज अंस्टेंट एफ नॉट बट इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स पॉइंट पी लेट्स पीट्स रेडियस आर है ठीक है बॉटम पॉइंट से पार्टिकल पॉइंट पी तक जाता है तो फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स ओके ट्राई करो सो एज द पार्टिकल ट्रेवल्स ये जो फोर्स है उसका डायरेक्शन इज ऑलवेज टूवर्ड्स पी ठीक है अगर मैं बेसिक से करना चाहूँ एफ डॉट डी एस का इंटीग्रल करूँ तो थो थोड़ा सा कॉम्प्लीकेट हो जाएगा कर पाएंगे बट कॉम्प्लीकेट हो जाएगा बिकॉज ये एंगल जो है वो वेरिएबल है ना डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल वेरिएबल है ना इन कैन यू सीज अट्रल फोर्स इट्स ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स पॉइंट पी एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज अ कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट फोर्स है तो फिर ठीक है

लेट इस डिस्कस द नेचर ऑफ द इक्वेबरियम सो फॉर एग्जाम्पल वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ इक्वेबरियम्स एक स्टेबल है एक अनस्टेबल है तो पहले स्टेबल के बारे में बात करते हैं सो लेट मी गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्टेबल इक्वेबरियम की एक ब्लॉक है स्प्रिंग से कनेक्टेड है यहाँ पर स्प्रिंग फोर्स इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक तो स्टेबल इक्वेबरियम का मतलब है कि इसको थोड़ा डिस्प्लेस करो स्लाइटली फ्रॉम द इक्बरियम पोजिशन विल द ब्लॉक कम बैक और गो अवे उसको डिसप्लेस करके रिलीज कर दिया वी डिस्प्लेस इट फ्रॉम द इक्बियम पोजिशन एंड रिलीज इट एंड यू ऑब्जर्व वॉट हैपन्स टू द ऑब्जेक्ट विल इट कम बैक टू द इक्लिबरियम पोजिशन और गो अवे इट वज्वियसली कम बैक वी नो कि स्प्रिंग को एक्सटेंड करके छोड़ दीजिए तो वापस आएगा तो दट मीन्स इट इज स्टेबल इक्विबिर इफ द पार्टिकल वैन इट इज डिस्प्लेस स्लाइटली फ्रॉम द इक्बरियम पोजिशन एंड इट कम्स बैक दैट मीन्स इट इज स्टेबल इक्विब्रियम ठीक है थोड़ा स्पेस गैप विद कम बैक सो दिस इज स्टेबल एग्जांपल से बता रहा हूँ सो so, तुमको फील आ जाएगा कि स्टेबल अनस्टेबल मतलब क्या एक ब्लॉक रखा है एक सरफेस के ऊपर ठीक है वर्टिकल प्लेन में है ग्रेविटी भी है अभी इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ दिया तो क्या करेगा वापस आएगा खुद से नहीं ना ग्रेविटी के कारण वो नीचे चला जाएगा ना सो so, इसका मतलब दिस इज अनस्टेबल व्हेन इट गोस अवे We have to displace the particle slightly, then check its motion. If it is going away from the equilibrium position, so it is unstable. If it is coming back, so it is stable. In this case is unstable. And neutral, matlab on displacement, if you displace it, the equilibrium is again the the particle is again in equilibrium. तो इसका मतलब कोई सरफेस है एक ब्लॉक रखा हुआ है ठीक है इक्लेबरियम में है इसको मैंने थोड़ा डिस्प्लेस किया और छोड़ दिया क्या करेगा कुछ नहीं वापस इक्वेबरियम में आ गया ना तो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रल इक्वेबरियम ठीक है लेट्स टॉक इन टर्म्स ऑफ थोड़ा मैथमेटिकल मैथमेटिकली इसको अपन लिखते हैं ये तो अपन ने थोड़ा सा फील के लिए एग्जाम्पल्स देख लिया तो अपन वन डायमेंशन की बात करते हैं अपने सिलेबस में वन डायमेंशन की बात करेंगे वन डिस्कसिंग द स्टेबिलिटी ऑफ इक्वेबरियम तो पोटेंशियल एनर्जी के टॉक्स से बात करते हैं आई हैव वन फोर्स दैट इज एक्टिंग लेट्स से और आई हैव सम नेट फोर्स जिसका पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड ठीक है वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिचुएशन वेयर पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड तो स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए स्टेबल इक्विलिब्रियम इज द पॉइंट व्हिच इज द मिनिमा द लोकल मिनिमा ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी क्यों देखते हैं तो सपोज मेरा पोटेंशियलॉजी ऐसा कुछ है वर्सेज एक्स ठीक है वन डायमेंशन की बात कर रहे हैं तो पोटेंशियलॉजी वर्सेज एक्स का कुछ ऐसा ग्राफ है राइट मिनिमम आई एम से दिस इज अटेबल इक्विबियम पोजिशन तो पहले तो इक्वलिबरियम है क्या वो तो चेक कर लेते हैं उसके बाद स्टेबिलिटी बात, बात करतेवेबरियम मतलब क्या फोर्सेज जीरो अब फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी का क्या रिलेशन है आई नो फोर्स वेक्टर को मैं कैसे पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में लिख सकता हूं है ना यहां पर सिर्फ एक ही डायमेंशन है ओनली एक्स सो कैन आई राइट मैं लिखता हूं एफ एक्स इज माइनस डेल्यू बाई डेल एक्स वो वो लिखने की जरूरत नहीं है डेल लिखने की जरूरत नहीं बिकॉज पोटेंशियल जी ओनली डिपेंड्स ऑन वन कोऑर्डिनेट एक्स एक्स एक्सिस तो माइनस डी यू बाई डी एक्स लिख सकता हूं करेक्ट तो फोर्स इज जीरो मतलब डी यू बाई डी एक्स इज जीरो तो मिनिमा मैक्सिमा ये वाला चीज़ हो सकता है डी यू बाई डी एक्स तो मिनिमा मुझे पता है इक्विलिब्रियम तो है क्योंकि मिनिमम पे स्लोप जीरो है आई नो दैट पोटेंशियल एनर्जी का स्लोप जीरो है करेक्ट बट इज इट स्टेबल येबल वाई बिकॉज फोर्स इज माइनस डी ओ बाईस करेक्ट अगर मैं यहां पर देखू यहां पर फोर्स इज जीरो एंड लेट मी चेक वॉट हैपन्स ऑन द लेफ्ट एंड द राइट हैंड साइड इफ आई डिस्प्लेस द पार्टिकल टू द राइट सपोज तो फोर्स कैसा है अगर मैं सपोज uh, ये कुछ दिस द इक्विलिब्रियम पोजीशन ठीक है ये वाला पॉइंट उस पार्टिकल को मैं एक्स से डिस्प्ले थोड़ा सा स्मॉल क्वांटिटी से मैं डिस्प्लेस करता हूँ टू द राइट ठीक है इफ द फोर्स इज टू द लेफ्ट देन इट विल स्टेबल इफ द फोर्स इज टू द राइट इट बी अनस्टेबल फॉर फोर्स विल टेक इट अवे करेक्ट तो यहाँ पर कैसे अपन चेक करेंगे यहाँ पे स्लोप क्या है पोटेंशियल एनर्जी का पॉजिटिव है

जो मेरा ग्राफ में भी दिख रहा है कैन यू सी इफ आई डिस्प्लेस इट टू द राइट यहां पर स्लोप पोटेंशियल एनर्जी का स्लोप का ग्राफ पॉजिटिव है एंड फोर्स नेगेटिव द स्लोप तो फोर्स नेगेटिव तो आ गया वापस सिमिलरली अगर तुम लेफ्ट में डिस्प्लेस करोगे फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम वी विल नीड द फोर्स टू बी टू द राइट फोर्स नीड्स टू बी पॉजिटिव आई कैप पॉजिटिव कैन यू सी स्लोप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव एंड देयरफॉर फोर्स विल बी पॉजिटिव ठीक है स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया सिमिलरली यू शुड बी एबल टू सी ऑन योर ओन कि अनस्टेबल वुड बी

थोड़ा भी डिस्प्लेस किया तो कुछ फोर्स है ही नहीं कहीं भी है. स्लोप हमेशा क्या है जीरो है ना फोर्स जीरो है सब जगह थोड़ा भी डिस्प्लेस करते गए तो ओके okay? देख लो लेट्स डू अ क्वेश्चन अभी तुम ट्राई करो मेरे पास पोटेंशियल जी ये दिया हुआ है सो पार्टिकुलस मूविंग अलॉन्ग दी एक्सिस अंडर दिस पोटेंशियल एनर्जी सम फोर्स दैट इज प्रोड्यूसिंग दिस पोटेंशियल एनर्जी लोकेट द इक्विलिब्रियम एंड पोजिशन नेचर फिर इसको थोड़ा सा और एनालाइज करेंगे ठीक है पहले ये चीज करके बताओ फट ओके तो मैक्सिमम मेरे चेक कर रहे हैं अपने को तो

ठीक है। ऐसा भी पूछ सकते हैं कि एक पार्टिकल इज इनिशियली एट एक्स इक्वल टू फाइंड मिनिमम स्पीड या मिनिमम काइनेटिक एनर्जी सच दैट इट गोज टू तो, इट एस्केप्स टू नेगेटिव इन्फिनिटी ऐसा पूछ सकता है क्वेश्चन ठीक है तो इसका मतलब क्या करना पोटेंशियल जी का थोड़ा ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करूं तो पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ में एक्स इक्व टू वन मैक्म एक्सलू इस मिनिमा करेक्ट तो कुछ एक्सोन मैक्म एक्सो टू पे मिनिमम ओके सो दिस इज एक्स इको टू टू मैं एक्स एक्सेस नहीं बना रहा हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं है ग्राफ एक्स एक्सेस के नीचे ऊपर क्या है आई एम नॉट कंसर्न विद ड्रॉइंग द एक्स एक्सेस आई एम नॉट कंसर्न विद एक्चुअल पोटेंशियल जी वैल्यूज नाउ

एक्सीगल वन यहाँ पे अगर वेलोसिटी जस्ट जीरो है फिर खुद ही चला जाएगा ठीक so uh, है सो जस्ट ट्राई एन राइट द इक्शन ये कंडीशन का जस्ट इक्वेशन ले सॉल्व करने की जरूरत नहीं है ठीक है ट्राई एन राइट द इक्वेशन इक्शन टेकल देखते हैं मिनिमम एनर्जी सो आई कैन जस्ट कंजर्व मैकेनिकल एनर्जी बिकॉज फोर्स कंजर्वेटिव है ना पोटेंशियल एनर्जी तो डिफाइन ही नहीं होता अगर फोर्स नॉन कंजर्वेटिव होता सो so, एक्सीक टू पे पोटेंशियल एनर्जी कितना है कितना आ जाएगा एट बाय थ्री माइनस बिकम सिक्स प्लस फोर ठीक है सो दस बिकम टू बाई थ्री जूल सब ऐसा में मान लेते अपन राइट और काइनेटिक एनर्जी वहां पे अपने को चाहिए ठीक है काइनेटिक एनर्जी इज अनोन एक्स्यूडो वन पे वील जस्ट मेक श्योर कि वेलोसिटी जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी जीरो है इट इज अंडरस्टूड इट इज स्लाइटली मोर देन जीरो वो अंडरस्टूड है क्योंकि स्लाइटली मोर देन जीरो तो चला जाएगा खुद से इट विल क्रॉ एक्सो वन एंड देन द फोर्स विल टेक इट अवे एंड पोटेंशियल एनर्जी कितना है एक्सीक्यूडो वन पे वन बाई थ्री माइनस थ्री बाई टू प्लस टू ठीक है तो uh, ये बन जाएगा ये आ जाएगा फाइव बाई सिक्स जूल्स ठीक कैलकुलेशन एक बार चेक कर लो ओके okay, बस एनर्जी कंजर्वेशन करना है हो गया तो टू बाई थ्री प्लस इनिशियल एनर्जी के शुड बी इक्वल टू फाइनली फाइव बाई स

Uh, इसका यूनिट्स वॉट्स, डब्ल्यू से प्रजेंट करते हैं द मोर यूजफुल एंड इंटरेस्टिंग इंस्टेंटेनियस पावर बोलते हैं करेक्ट वैसे ही इंस्टेंटेनियस पावर को अपन सिंपली पावर क्वेश्चन में पावर पूछा मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट इंस्टेंटेनियस पावर डी डब्बल्यू डी टी रेट ऑफ वर्क डन ओके तो कोई एक सिंगल फोर्स की बात करो कैन आई राइट इट एस एफ डॉट डी एस वर्क डन अब क्या है वेलोसिटी राइट रिमेंबर जो डेफिनेशन ऑफ वर्क डन था उसमें डीएस क्या था डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जहां फोर्स लग रहा था उस पॉइंट का एप्लीकेशन का उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट था तो वेलोसिटी वुड बी वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ठीक है तो so, यह मेरा इंस्टेंटेनियस पावर होगा राइट किस तरीके का क्वेश्चन आता देखते दे कैन गिव यू अ क्वेश्चन लाइक सपोज एक पार्टिकल है मास so, uh, like, है mass M है उसको एक फोर्स लग रहा इसका पावर इज इक्वल टू के टी ठीक है प्रोपोर्शनल टू टाइम के तो पूछेंगे फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इफ द इनिशियल वेलोसिटी और पुछा गया है फंक्शन डेफिनेशन ऑफ पावर पावर सो आई यूज के टी इज इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई डी टी सो बेसिकली आई कैन राइट माई टोटल वर्क डन एज इंटीग्रल पी डी टी डी डब्ल्यू इज के टी डी टी आई कैन राइट माई पावर

राइट सो कहीं भी वेरिएबल पावर दिया पार्टिकल है उसका मास एम है उसको वी नॉट स्पीड पे प्रोजेक्ट किया गया एट एन एंगल अल्फा प्रोजेक्टाइल करेगा फाइंड द पावर बाई ग्रेविटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम ठीक है, ट्राई करो राइट सो इन जनरल एट एनी इंस्टेंट ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन एम जी वैक्टर लग रहा है और एक वी वैक्टर लग रहा है तो मैं पावर वुड भी एम जी डॉट वी करेक्ट तो डॉट प्रोडक्ट में तो सिर्फ कंपोनेंट वेलोसिटी अलोंग ग्रेविटी आएगा ये तो वी वाई बन जाएगा कैन आई राइट इट एस माइनस एम जी वी वाई वाई माइनस बिकॉज ऊपर है ग्रेविटी नीचे ठीक है डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाएगा अब तो बहुत सिंपल है यार वीवाईज यू वाई प्लस वाई टी है तो मुझे पता ही है यू वाई मतलब कितना वी नॉट साइन अल्फा माइनस जी टी ए वाई एस माइनस जी अपर्स पॉजिटिवली तो हो गया दस बिकम माइनस एम जी टाइम्स वी नॉट साइन अल्फा माइनस जी टी राइट आई होप यू वो एबल टू गेट दिस आंसर देख लो ग्राफ्स की भी बात करते अगर पावर ऐसा फंक्शन ऑफ टाइम दिया है तो इसका सबसे ज्यादा यूज इज इट्स एरिया अंडर द ग्राफ विच इजाइन वर्क डन क्यों क्योंकि इट इज इंटीग्रल पी डी टी ठीक है तो क्वेश्चन कैसा आएगा कुछ ऐसा पावर वर्सेस टाइम आ जाएगा तो दे लास्ट यू फाइंड द वेलोसिटी एट दिस पॉइंट और सम अदर पॉइंट जस्ट गेट द एरिया सो विल गेट द वर्क डन वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वेट करके वेलोसिटी आ जाएगा कैन कम और ये थोड़ा अनकॉमन है बट कभी आ सकता है पॉवर फंक्शन ऑफ द पोजिशन अब इसका एरिया कोई तो नहीं है वन so डायमेंशन uh, की बात कर रहा हूं ठीक है फोर्स को मैं एम ए लिख सकता हूँ ए को मैं वी डी वी वाइ डी एक्स लिख सकता हूँ तो ये बन जाएगा एम वी स्क्र डी वी करेक्ट बिकॉज कट गया ठीक है तो ये अपन अगर हो सके तो याद रखेंगे बिकॉज दिस बी यूजफुल इन क्वेश्चन ग्राफ तो क्वेश्चन कैसे आएगा इस तरीके से आएगा कि कुछ पावर uh, दे दिया फंक्शन ऑफ एक्स ठीक है लेट से ये टेन वॉट्स है uh, लेट से ये टेन मीटर्स है राइट right. बोलो वनिशियल टीवल जीरो पे वेलोसिटी इज वन मीटर पर सेकेंड पाइंड वेलोसिटी एट एक्स इक्ल टू टेन पावर दे दिया इस तरीके का ट्राइंगल दे दिया तो क्या करेंगे अपन एरिया अंडर द ग्राफ अगर निकल गया वी लिक्विडेड तो इस फिर तो हो गया मास वन के जी ले लो लेट से वंस यू नो दिस एरिया एंड द ग्राफ इज दैन इज वेरी स्ट्रेट फॉर्वर्ड हर बार एग्जाम में इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है इस चीज़ पूरे चीज़ को ठीक है तो ये जो है इसका एरिया कितना आ जाएगा हाफ इंटू टेन इंटू टेन तो फिफ्टी एरिया ऑफ द ट्राइंगल फिफ्टी शुड बी डू मास वन वी क्यूब माइनस यू क्यूब यू इज़ वन यहाँ से जो भी वी आ रहा है वो निकल जाएगा ऑल राइट ठीक है तो इस तरीके का क्वेश्चन आ सकते देख लोडे टॉप